Welcome to Physicam Academy, and this is Shivani here. Please do like, share and subscribe to support this revolution. तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि हमने सक्सेसफुली इस मंथ में ये हमारा जुलाई चल रहा है, तो इस मंथ में हमने ऑलरेडी लिक्विड स्टेट ख़त्म कर लिया है, ऑलरेडी गैसियस स्टेट भी ख़त्म कर लिया है. मैंने लिक्विड स्टेट का क्वेश्चन के लिए एक सेशन भी लिया था, गैसियस के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले चुकी हूँ मैं ऑलरेडी. तो जो लोग भी नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. मैंने इस लिक्विड स्टेट का असाइनमेंट टेलीग्राम में दिया था. आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाके जुड़ जाइए एंड उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. उससे आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे. मैंने आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम एज वेल एज एक व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या फिर टेलीग्राम में ज़रूर मैसेज करके बताएं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपका क्वेरीज सब क्लियर करवा सकूँ. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट मंथ अभी हम आज शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, जो कि आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एंड फंडामेंटल चैप्टर है, एंड इसके बिना केमिस्ट्री अनइमेजिनेबल है. ओके, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले हमारे चैनल पे जो जो चैप्टर सब ख़त्म हो चुका है उन सब का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा. जो जो लोग अभी नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज़ जल्दी जाके उसको ख़त्म कर लीजिए. वो प्लेलिस्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देख के ख़त्म करें. ओके, आप लोगों का अभी IIT एग्जाम का फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गया होगा शायद. ठीक है, तो अगर आप IIT एग्जाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से ख़त्म करिए हमारे साथ कोर्स को. जितना जल्दी हमारे पास कोर्स ख़त्म होगा उतना जल्दी हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, ओके. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे कि कब कब क्लास होने वाला है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, ओके. सो चलते हैं, अभी आज हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट को. आप सबको पता होगा कि दीज आर द एग्जाम्स यू विल अपीयर इन फ्यूचर. ओके, आज हम शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर, उसका नाम है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आपका जाम से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. आपको ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि आपको आपका नोट से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंड सिंपल क्वेश्चन आता है. इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आता. तो अगर आप इसका कोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप हमारा लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, उसके साथ साथ मैं क्लास में आपको जो जो करने के लिए बोलूँगी अगर वो आप करते रहें हमारे साथ साथ, तो आपका पक्का ये 6 मार्क्स कन्फर्म है. ठीक है, कन्फर्म होगा. तो देखिए, अब हम उसका सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या विभिन्न है. ये अपडेटेड सिलेबस में लाए हूँ आपके लिए 2023 के लिए वेबसाइट से. ठीक है, तो आपको कवर करना होगा यहाँ पे क्या क्या सब. यूनिट सेल कवर करना होगा. सॉलिड स्टेट को अपने आपने देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज पहली बार ये टॉपिक को देखे. इसको आपने ऑलरेडी 12th में या 11th में पढ़ा होगा. 11th में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो इस टर्म के बारे में आप सबको थोड़ा थोड़ा पता होगा. जितना 11th में था उतना ही सेम है यहाँ पे. उसके साथ साथ और थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट भी ऐड हुए हैं इसमें. ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट को जितना आप इमेजिन करेंगे उतना आपका समझना अच्छा होगा. अगर आप अच्छे से इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ कैसे लेयर बाय लेयर कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब अगर आपको आपको इमेजिन करना नहीं आया तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी आपको. लेकिन आपको
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके लिए इमेज लेकर आई हूँ आज भी, तो हम इमेज के साथ चलेंगे ताकि आप लोगों को इमेजिन करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है? तो चलिए अभी शुरू करते हैं। यूनिट सेल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस, क्रिस्टल सिस्टम एंड मैबियस लैटिसेस क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स कैसे होते हैं, हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ये आपको पता होगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ पढ़ेंगे और ये सब सॉलिड्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। NaCl में कैसा स्ट्रक्चर होता है, सीजियम क्लोराइड में कैसा स्ट्रक्चर होता है, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, ग्राफाइट, इस सब में कैसा स्ट्रक्चर होता है सब। उसके उसके साथ हम पढ़ेंगे कि क्लोज पैकिंग इन मेटल्स कैसे होता है और मेटल कंपाउंड कैसे होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं उसको भी आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है? सिर्फ उसी को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। और इंसुलेटर्स क्या होता है, डिफेक्ट इन क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो ये सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा माइंड मैप लेके आई हूँ। ये डायग्राम को थोड़ा अपने कॉपी में बना लीजिए। ये सब अगर आप देखिए, जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, चीज़ों को जब याद नहीं रहता उसको शॉर्टकट में याद रखने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज़ अ सिंपल माइंड मैप ताकि आपको सॉलिड का वेरियस फील्ड के बारे में पता चले कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली सॉलिड में क्या क्या है सब, ठीक है? मैंने आपको उसके रिगार्डिंग सिलेबस भी बता दिया। ये एक सिंपल टेबल डाइग्राम है, ये आपको याद रखने में और ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है? देखिए, सॉलिड स्टेट हमें कवर करना होगा। तो सॉलिड स्टेट में पहले हम पढ़ेंगे कि उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सॉलिड हम पढ़ेंगे, सॉलिड के लिए पहला हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब देखिए, इसको भी आपने ऑलरेडी मतलब आपको पता होगा, ये सॉलिड्स रिजिड होते हैं, जो कंटेनर में रहते हैं उनका शेप के इरिस्पेक्टिव अपना नेचर को, वो अपने नेचर में वो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब लिक्विड जैसे होता है ना, कि जब हम एक कंटेनर में उसको लेते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन सॉलिड का एक अपना अपना शेप होता है, वो रिजिड स्टेट में रहता है, उसको जो भी कंटेनर में डालो वो अपना शेप को कॉन्स्टेंट रखता है, वो कंटेनर के हिसाब से बदलता नहीं है, उसका हाई डेंसिटी होता है, उनके बीच में सेप उनके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता है अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस में कितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड भी थोड़ा कंप्रेसिबल है, लेकिन सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, उनके बीच में डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो दीज आर द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके? वैसे ही सॉलिड को अगर हम बात करें, टू टाइप्स का होता है वो, अमरफस होता है, क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइंस आर अनआइसोट्रॉपिक, ये क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आगे जाकर, ठीक है? ये सिर्फ एक सिंपल जैसे कि हम बोल सकते हैं शॉर्ट नोट की तरह है, ये सिर्फ माइंड मैप है क्या क्या इसमें सॉलिड में इंक्लूडेड है कोर्स, उसी को मैंने यहाँ पे डिटेल माइंड मैप है थोड़ा। तो अमॉर्फस होता है, वो होता है आइसोट्रॉपिक, अच्छे से याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन होता है अनआइसोट्रॉपिक, अमॉर्फस होता है आइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक होता है क्रिस्टलाइन, आइसोट्रॉपिक होता है अमॉर्फस। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि किस टाइप का सॉलिड्स होते हैं, आपका मेरा मतलब है कि आयनिक सॉलिड होता है, आपके पास मॉलिकुलर सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है। उसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि पोलर सॉलिड होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह का सॉलिड में देखा जाता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल्स। यूनिट से मतलब दो तरह का होता है हमारे पास यूनिट सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसको हम डिटेल में आगे आगे जितना जाएंगे उतना पढ़ते जाएंगे। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट की तरह एक डायग्राम बता दिया आपको कि ये फील्ड हम कवर करने वाले हैं। होल हमारा लेक्चर शायद होने वाला है 12th 12 लेक्चर होंगे,
सॉलिड स्टेट के लिए, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 10 या 11 तो होगा ही, ठीक है। तो इस सब लेक्चर्स में हम यही सब कवर करने वाले हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या क्या होते हैं? क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, और उसके साथ साथ मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक होता है। तो सेंटर की अगर हम बात करें, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। देखिए, प्रिमिटिव सेल मतलब सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेंटर्ड मतलब कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी से बॉडी के अंदर भी, एक बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा। देखिए, मैं आपको ये सब डिटेल में कवर करवाऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे उसके बीच में वॉइड्स के क्या क्या होते हैं, पैकिंग कैसे कैसे होते हैं उस सब, जैसे कि हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके। वैसे ही ट्राइगोनल वॉइड होता है कैसे, टेट्रागोनल कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारे पास कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। और वैसे भी अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब, ये तीन आपको पता होगा। हम आगे पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस क्या होता है सॉलिड में, डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, स्कॉट की डिफेक्ट क्या होता है, फ्रंकल डिफेक्ट क्या होता है, ये सब डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सबको हम कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये एक छोटा सा माइंड मैप था ताकि आप लोगों को एक फील्ड के बारे में पता चले कि हम ये करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं बिना देरी किए सॉलिड के प्रॉपर्टीज के तरफ, ठीक है। देखिए, मैं सॉलिड के बात करूं, पहले थोड़ा बेसिक से चलते हैं कि मैटर क्या होता है। एक्चुअली में मैटर क्या होता है, जिसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड उसका वो एक ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर सिंपली क्या होता है कि एक सब्सटेंस है जो कि एक डेफिनेट, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो एक पर्टिकुलर शेप लेता है, वो एक स्पेस में एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करता है, और एक सम स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। समझ में आ रहा है आपको? मैटर समथिंग है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, एंड वो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर मैटर की हम बात करें, मैटर का मैंने आपको बोला था 5 types of states होता है, जैसे कि फंडामेंटली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। और भी 2 types of matters हैं, जैसे कि बोस आइंस्टाइन स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके साथ साथ प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। उस प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन स्टेट सिंपली क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो ये सब जो स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करके एग्जिस्ट करता है, मतलब आपका सॉलिड स्टेट में वो किस कंडीशन में रहता है, लिक्विड स्टेट में वो किस कंडीशन में रहता है, एंड गैसियस स्टेट में वो किस किस कंडीशन में रहता है। तो ये जो एक मैटर जो जो कंडीशन में स्टे करेगा, जो 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 पर्टिकुलर कैटेगरी में वो स्टे करेगा, वो डिपेंड करेगा किससे, उसका फिजिकल स्टेट के ऊपर, ठीक है। मैटर का जो प्रॉपर्टीज हम बात करें, अगर मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, या फिर मैटर का स्टेट के अगर हम बात करें, वो एक पर्टिकुलर उसका एक फिजिकल स्टेट होता है। मैटर का हर एक मैटर का प्रॉपर्टी उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिजिकल फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिजिकल स्टेट्स हमारे पास मेनली कैसे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, ठीक है। ये 3 कैटेगरी मेनली मैटर का फिजिकल स्टेट है, जो मैटर का प्रॉपर्टीज के मैटर का प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सब
जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मैटर, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मैटर, या फिर गैसीय स्टेट हो गया या फिर प्लाज्मा स्टेट हो गया, ये सब एग्जिस्ट करने के लिए हर एक मैटर का फिजिकल स्टेट के लिए एक डेफिनेट कंडीशन होता है, एंड वो किस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर मैटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बीच में टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है वेदर इट विल एग्जिस्ट इन ए स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन स्टेट. इट विल डिपेंड अपन द थर्मल एनर्जी लाइज बिटवीन देम एंड देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम एंड द टेम्परेचर कंडीशन एंड द प्रेशर कंडीशन. ठीक है, आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है थर्मल एनर्जी को, तो टेम्परेचर प्रेशर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स डिफाइन करता है एक मैटर का शेप कि वो किस शेप पे रहेगा, है ना. तो अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इंट्रा एंड इंटर, इस ये थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा, मैंने एक डायग्राम लिया है आपके पास. एच मान लीजिए कि हमने एच सी एल मॉलिक्यूल लिया, ठीक है. तो एच सी एल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ बॉन्ड किए हैं, ठीक है. सी एल क्लोरीन एटम जो है वो कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्शियल चार्ज डेवलप करता है, कि मान लीजिए डेल्टा प्लस मतलब एक पार्शियल चार्ज डेवलप करता है दोनों के ऊपर. आज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द क्लोरीन एटम, एंड आज हाइड्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन क्लोरीन एटम. देयर डेवलप्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. देखिए ये सब क्यों होता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर लेकिन अगर हम मान लीजिए कि ये एक आटम है, हाइड्रोजन आटम, यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है ना, 17. तो 287 क्लोरीन का स्ट्रक्चर, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें तो उसका होता है 287, मतलब उसका ये जो आउटर सेल है, और हम उसको वैलेंसी सेल भी बोल सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज, तो आपको अगर मतलब ये तो सबको ही पता होता है कि वैलेंसी सेल क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. ऑलरेडी आप लोगों ने अभी आईआईटी एग्जाम दे रहे, तो ये सब फंडामेंटल चीज़ को आपको पता ही होगा, ठीक है. तो देखिए थोड़ा देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287. तो इस वैलेंसी सेल में आप लोगों का जो 2p सेल है, उसका अगर हम बात करें तो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल, एंड दिस इज कॉल्ड योर वैलेंसी सेल, ठीक है. तो वैलेंसी सेल में आपका जो पी सब सेल प्रेजेंट है, वैलेंसी सेल में आप लोगों के पास जो पी सब सेल प्रेजेंट है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, उसका एक सेल सिर्फ खाली है. अगर हम पी सब सेल की बात करें, पी सब सेल की अगर हम बात करें 3s2 तो पूरा फिलअप हो गया आपके पास, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 सेल खाली है सिर्फ एक. तो वो चाहेगा ऑक्टेट रोल फुलफिल करने के लिए, वो चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके वो आसपास के इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर पाए। ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करेगा मतलब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उसका सेल जो है फुल्ली फिल हो जाएगा, तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो इसीलिए वो ऑक्टेट रूल फुलफिल करने के लिए आसपास के जो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे उसको हमेशा अट्रैक्ट करने के लिए जाएगा, तो इसीलिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन के केस में ये 1s1 है, मतलब उसका कंपेरेटिव टू क्लोरीन एटम दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक तो उसका साइज स्मॉल होता है और उसका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर पावर भी इतना नहीं है जितना ज़्यादा क्लोरीन के पास है। क्लोरीन में आपके पास 17 प्रोटॉन है एंड 17 न्यूट्रॉन है, लेकिन तो उसका न्यूक्लियर साइज बहुत बड़ा है, तो उसका अट्रैक्ट करने के उसका न्यूक्लियस को न्यूक्लियस का अट्रैक्ट करने की पावर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन से मोर पावरफुल न्यूक्लियस है। तो मोर पावरफुल न्यूक्लियस मतलब उसका वो चाहेगा कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो इसीलिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसको अपने तरफ खींचने लगेगा। जब खींचेगा वो पूरा खींच नहीं पाएगा अपने तरफ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि उनके बीच में एक पार्शियल चार्ज डेवलप करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा इलेक्ट्रॉन को वो ले आएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन एटम से, ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरा इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ खींच लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए आपके पास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन आपके पास क्लाउड की तरह प्रेजेंट होता है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन का दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है क्लाउड नेचर। तो जब हम ये आपके पास जब ए सबसेल पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह प्रेजेंट होता है। अगर आपने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अब तक पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एक वेवी नेचर में प्रेजेंट होता है। आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी आप लोगों को पता होगा, उसने अच्छे से इंटरप्रेट भी किया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि क्यों ऐसा होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, अगर आपके पास मान लीजिए कि एक क्लाउड प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे उसके तरफ क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स से प्रेजेंट है, तो आपके पास अगर एक सीएल क्लोरीन एटम आके उसके पास आएगा तो वो सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिमेट्रिकली प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कवर करके स्फेरिकली, वो सिर्फ उसको डीफॉर्म कर देगा। मतलब अगर आपके पास ये हुआ हाइड्रोजन एटम और उसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सिमेट्रिकली, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन एटम आया, उसका ये न्यूक्लियस आया एंड उसमें सेल्स प्रेजेंट है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो देखिए क्लोरीन एटम को ऑलरेडी कवर करके उसका सेल भी प्रेजेंट है, तो वो इसीलिए इफेक्टिवली पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच नहीं पाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ टेम्पररीली क्लोरीन एटम की तरफ थोड़ा मूव करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्रेजेंट है तो डीफॉर्म करके ऐसा शेप ले लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा, एक साइड न्यूक्लियस आ जाएगा एंड सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ आ जाएंगे, तो ये डीफॉर्म हो गया। सिमेट्रिकली पहले प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन एटम के तरफ, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अराउंड वो सिमेट्रिकली प्रेजेंट था, जब क्लोरीन एटम के पास आया वो डीफॉर्म कर गए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन थ्योरी, मतलब यहाँ पे क्लोरीन एटम हाइड्रोजन एटम को पोलराइज किया, ठीक है। तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इतना पहले यहीं से समझ लीजिए। तो ऐसा इसीलिए होता है, इसीलिए उनके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव, तो जब न्यूक्लियस जब सिमेट्रिकली प्रेजेंट था वो
सिमेट्रिकली अगर प्रेजेंट था तो न्यूट्रल था, लेकिन जब ऐसा हो गया तो इस साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम में देखिए, हाइड्रोजन एटम में ड्यू टू डिफर्मिटीज एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा प्लस। एंड जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफर्म हो गया वो थोड़ा लाए करता है सीएल की तरफ, इसीलिए उसको हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज वहां पे डेवलप किया है। ठीक है, तो एचसीएल मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग, जिस तरह का बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मतलब एक ही मॉलिक्यूल है एचसीएल, एचसीएल एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जो आयोनिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक मान लीजिए, इमेजिन कीजिए एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन। लेकिन दो एचसीएल मॉलिक्यूल के बीच में जो तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, या फिर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड ये पार्शियल पॉजिटिव के चार्ज के बीच में जो एक टेम्पररीली अट्रैक्शन होगा, जब एचसीएल मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन हम जब हम लेते हैं, देखिए एचसीएल एक गैस होता है, वो हमेशा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। अगर हमें उसको लिक्विड स्टेट में लाना है तो उसका सॉल्यूशन हमें बनाना होगा। तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे उनके बीच में जो टेम्परेली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जब आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा इनका एंड एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम प्रेजेंट होगा। मान लीजिए कि फ्लोरिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरिन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब क्या है आपके पास, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट होगा तो उसके उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो एचसीएल मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लेकिन दो एचसीएल मॉलिक्यूल के बीच में जो टेम्परली अट्रैक्शन होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये डायग्राम को अच्छे से माइंड में याद रख लीजिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन। लेकिन एक मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो फिर चलते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का प्रॉपर्टीज होता है सॉलिड में। देखिए मैं आपको समझा रही थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड टेम्परेचर के ऊपर मैटर का प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, एट लो टेम्परेचर एंड अगर उसका उनके बीच में थर्मल एनर्जी भी लो होगा एंड हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो डेफिनेटली उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो पार्टिकल बहुत अपने क्लोज आ जाएंगे, तो उनके बीच में किस तरह का फिजिकल स्टेट आएगा, सॉलिड स्टेट। आपके पास जब टेम्परेचर लो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो एटम्स और मॉलिकुल्स जो होंगे वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे। अगर एक दूसरे के बहुत पास आएंगे तो वो कौन सा फिजिकल स्टेट को डेवलप करेंगे, सॉलिड स्टेट को डेवलप करेंगे। ठीक है, ओके, सो सॉलिड स्टेट में किस तरह का प्रॉपर्टीज शो होता है, सॉलिड स्टेट का डेफिनेट शेप होता है, उनके बीच में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, सॉलिड स्टेट हैव फिक्स वॉल्यूम, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर हम कंपेयर करें गैस के अकॉर्डिंग, गैस मॉलिक्यूल्स आर 10 to the power 6 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। मतलब सॉलिड तो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल है, लेकिन गैसियस स्टेट 10 to the power 6 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल है इन टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, दे आर रिजिड, दे आर सेफ, कांट बी चेंज। इसका मतलब वो कंटेनर का शेप नहीं लेगा, वो कांस्टेंट शेप मेंटेन करेगा। उनके बीच में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होता है, लेकिन
लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में रहता है, गैसेस स्टेट में रहता है, उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, और फिर हम इसको भी और भी बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी होता है, वो भी मिनिमम होता है, ठीक है। और उनके बीच में हाई डेंसिटी होता है, जितना मॉलिक्यूल पास आएंगे उनके बीच में स्पेस उतना कम हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा, तो उतना स्पेस कम होगा मतलब उनका एक पर्टिकुलर स्पेस पे, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हम स्पेस ले रहे हैं, तो वहाँ पे उनका डेंसिटी, उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयन्स, या फिर कुछ भी समझ लें, आयन हो सकता है, आयन्स आयन्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, डाइपोल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लाए करेंगे उतना उसका डेंसिटी कहलाएगा। तो सॉलिड स्टेट के केस में ये सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। डेंसिटी मिनिमम होता है गैसियस के केस में, ओके। सो एंड सॉलिड और भी दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। सॉलिड्स आर डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता, एंड मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड। जैसे कि आपके पास हो गया वाटर मॉलिक्यूल, आइस, आइस क्यूब की अगर हम बात करें, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में ऑलरेडी आप सबने उसको देखा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स क्या होते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। जो जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में नहीं आते वो सब्लाइम होके डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया ड्राई आइस, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड स्टेट में ना जाकर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉलिड आइस, ठीक है। और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैंने आपको ये भी बताया था, पहले भी बताया था इसको, एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। एंड अगर हम बात करें लिक्विड के केस में, लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गैस सॉलिड सॉलिड से सॉलिड डिफर करता है। देखिए, डेफिनेट सॉलिड के बीच में डेफिनेट अट्रैक्शन होता है, तो अलग अलग सॉलिड में अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं उनके बीच में। तो जब अलग अलग इंटरेक्शन होगा तो उनके उनके बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी सॉलिड से सॉलिड डिफर करता है, ठीक है, ओके। सो ये हुआ आपका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर द सॉलिड्स। देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, लो डेंसिटी होता है गैस के बीच में, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, ओके। तो ये हुआ आपका डेंसिटी का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से समझिएगा सॉलिड स्टेट को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत सारे एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, ये तो सही है। मतलब देखिए, आप लोग इसलिए मत पढ़िए कि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा अपने माइंड में रखिए, उसको अच्छे से इमेजिन कीजिए, थोड़ा पढ़ाई को एंजॉय करते करते चलिए, केमिस्ट्री को थोड़ा एंजॉय कीजिए कि एक्चुअली में केमिस्ट्री हमें क्या समझाना चाहता है, ठीक है। एक्चुअली केमिस्ट्री में हम क्यों पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को हम इतना जोर क्यों देंगे, क्यों हम पढ़ें, उसको थोड़ा इमेजिन करते हुए चलिए। नई नई चीज़ें को इंटरप्रेट कीजिए अपने माइंड में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के तरफ, फिजिकल स्टेट
ऑफ सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड अमोर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल्स, और देखिए सॉलिड एक्चुअली में हमें क्रिस्टल की तरह ही दिखता है, जैसे कि आपका हो गया सुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये डेली लाइफ में ये सॉलिड, और बहुत सारे सॉलिड है, बेड, सारे के सारे मैटर जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में, बहुत सारे चीज़ें हैं वो सॉलिड्स के स्टेट में रहते हैं। तो वो मेनली कैसे उसका फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है मेन फॉर्म। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका प्रॉपर्टीज भी सेम है क्रिस्टलाइन की तरह, लेकिन वो दिखते हैं क्रिस्टलाइन जैसे, मतलब वो क्रिस्टलाइन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन उसका फॉर्म जो होता है, सॉलिड का फॉर्म, वो डेफिनेट फॉर्म जो होता है वो क्रिस्टलाइन की तरह दिखता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज बहुत अलग होते हैं क्रिस्टलाइन के हिसाब से। तो अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में सोचें, उनके बीच में, देखिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन दिया है आप लोगों के लिए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड अमोर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, लेकिन अमोर्फस स्ट्रक्चर में सॉलिड्स आर एक पर्टिकुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर अरेंज्ड रैंडमली बिटवीन देम। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, उसका एक डेफिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, एंड दिस क्रिस्टलाइन में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पीरियडिकली होल क्रिस्टल में रिपीट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हुआ आपका एक, मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है, कि इमेज जो मेरा ड्राइंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे स्लाइड में, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, एंड यहाँ पे हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, यहाँ से हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है, एक छोटा पोर्शन लिया। तो अगर हम ये पोर्शन मान ले, यहाँ पे अगर हम ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, तो इस पोर्शन में जो सिंपल अरेंजमेंट होगा वो होल ओवर क्रिस्टल खुद को रिपीट करता है, लेकिन अमोर्फस स्ट्रक्चर में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, वो क्रिस्टल के थ्रू रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होल ओवर क्रिस्टल में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज के बात करें शेप के, सॉलिड स्टेट क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइन हैव शार्फ और क्रिस्टल कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, दे मेल्ट एट ए शार्फ और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, उसका एक शार्फ मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में एक शार्फ मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर हम एक ग्राफ में उसको शो करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि ये ग्राफ प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर मान लें, यहाँ पे क्रिस्टल मान लिए, तो जब अमोर्फस का मेल्टिंग कैसा होता है, एक ग्रेजुअली मेल्टिंग होता है, लेकिन क्रिस्टल में कैसा होता है, एक सडन मेल्टिंग पॉइंट आता है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो सडनली मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है, लेकिन अमोर्फस में ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता, वो ग्रेजुअली मेल्ट करना शुरू करता है। ठीक है, धीरे 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 मेल्टिंग करता है। क्लीबेज के, देखिए ये आपको समझ में आया कि कैसे होता है मेल्टिंग पॉइंट, आपको अच्छे समझ में आया। क्रिस्टल के केस में अगर हम बात करें, अच्छे से मैं ग्राफ बना देती हूँ, टेम्परेचर यहाँ पे क्रिस्टल मान ले, क्रिस्टलाइन लैटिस का एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है, लेकिन अमोर्फस टेम्परेचर में, अमोर्फस सॉलिड में एक डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता, वो ग्रेजुअली होता है। ठीक है, तो ग्रेजुअली दे फर्स्ट सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद वो धीरे धीरे मेल्ट करेंगे, लेकिन जैसे कि हो गया आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक अमोर्फस सॉलिड है, लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जैसे कि अगर हम बात करें NaCl क्रिस्टल,
आपका जो नमक आप जब यूज़ करते हैं उसको अगर आप हवा में जो आपका जो कंटेनर होता है उसको अगर हम टाइटली बंद नहीं करते, उसको अगर आप टाइटली नहीं रखते तो वो क्या होता है, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो मेल्टिंग है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन मेल्टिंग। लेकिन जब प्लास्टिक मेल्ट करता है वो ग्रेजुअली सॉफ्टन पहले होता है, उसके बाद वो जाके मेल्टिंग मेल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं अमरफस मेल्टिंग, ठीक है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हेन दे कॉट दे स्प्लिट इन टू पीसेस विथ प्लेन एंड स्मूथन सरफेस। अगर हम कट करें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को, वो जब कॉट होंगे उनका जो कट होने के बाद जो पीसेस होगा वो स्मूथ सरफेस होगा, वो कट जो होगा वो स्मूथ सरफेस होगा एंड उस वो प्लेन सरफेस होगा। लेकिन अगर हम अमरफस में बात करें, अमरफस में दे स्प्लिट इनटू पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस, ठीक है। अगर हम ऊड की बात करें, ऊड जब कट होता है तो उसका एक डेफिनेट प्लेन सरफेस नहीं होता, वो डेफिनेट अरेंजमेंट उनके बीच में नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं उनका प्लेन सरफेस नहीं होता, इरेगुलर सरफेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं अमॉर्फस। देखिए मैं टाइप्स आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन अमॉर्फस के केस में आइसोट्रॉपिक अमॉर्फस केस में दे डोंट हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फ्यूज करना मतलब मेल्ट होना, तो उन कैरेक्टर क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट फ्यूजन टेम्परेचर होता है लेकिन अमॉर्फस में नहीं होता। क्रिस्टलाइन सो अनआइसोट्रॉपिक स्ट्रक्चर, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड सोज आइसोट्रॉपिक स्ट्रक्चर। मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी, आगे चलिए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। नेचर अगर मतलब बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें अमोरफो सॉलिड में, अमोरफो सॉलिड को हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, वो एक जो डेफिनेट पोर्सन में जो अरेंजमेंट होता है वो ऑल ओवर क्रिस्टल में रिपीट होता जाता है, लेकिन अमरफस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, वो रैंडमली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए अनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक की अगर हम बात करें, देखिए ये एक सॉलिड है एंड दिस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे पार्टिकल्स आर डेफिनेटली अरेंज्ड। देखिए रेड सर्कल एंड ब्लू सर्कल इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या दिखाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाते हैं आइसोट्रॉपिक, लेकिन क्रिस्टलाइन सोज अनआइसोट्रॉपिक, लेकिन अमॉर्फस सोज आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। देखिए आइसोट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टीज व्हिच सेम इन ऑल डायरेक्शन में एक डेफिनेट, अगर हम एक क्रिस्टल में एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, मान लीजिए कि हमने ये एक क्रिस्टल लिया, या फिर मान लीजिए कि हमने एक डायमंड लिया, मान लीजिए कि हमने एक डायमंड लिया, तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन एटम्स उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कोवेलेंट एक कोवेलेंट सॉलिड है एंड यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन जो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके बीच में नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो कोवेलेंटली एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेके बैठे हुए होते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर में। तो हम डायमंड में जिस साइड में भी जाए, जिस भी डिरेक्शन में भी क्यों ना जाए, उसका सेम अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स के बीच में, मतलब वो कार्बन एटम्स हर एक स्पेस में, हर एक डिरेक्शन में इक्वली प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल ही प्रेजेंट होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज सेम होता है हर एक डिरेक्शन में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज हर एक एंगल में, हर एक डिरेक्शन में सेम ही होता है। लेकिन अगर हम एक ऊड को कट करेंगे डिफरेंट डिरेक्शन में,
मान लीजिए, हाँ ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम इसको एक स्लाइस यहाँ से इस डायरेक्शन में कट करें, स्पाइरल की तरह इसको अगर हम ऐसे कट करें तो शायद आपका आ सकता है मतलब सेम स्ट्रक्चर आ सकता है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में उसको एक मान लीजिए कि ऊड़ है, उसको हमने इस डायरेक्शन में कट किया तो उसका सेम प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा, उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं आएगा। आपको सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई दे देंगे, सेम इंटरसेक्शन नहीं दिखाई देंगे। आज जैसे दिखता था डायमंड में, डायमंड में जो इंटरसेक्शन दिखता था आप लोगों को, वो हर एक डायरेक्शन में सेम था। उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज, हर एक स्ट्रक्चर हर एक डायरेक्शन में टेट्राहेड्रल ही था एंड वो सेम तरह का दिखता था। लेकिन एक अगर ऊड की बात करें, ऊड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम ऊड में बात करें, ऊड को अगर स्पाइरली कट किया जाए तो वो शायद हो सकता है आइसोट्रॉपिक। लेकिन अगर हम उसको इस एंगल में कट करें, इस एंगल में कट करें तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में एक डेफिनेट अरेंजमेंट जो प्रेजेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे होता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगा, वो हमें सेम नहीं दिखेगा अगर हम वो इस डायरेक्शन में कट हुआ या फिर स्पाइरल में कट हुआ। वैसे कि अगर हम बात करें आइस में, आप जो सब लोगों को पता होगा कि आइस का डेंसिटी जो होता है वाटर लेवल से, डेंसिटी ऑफ आइस क्यूब इज ग्रेटर देन इज लेस देन सॉरी डेंसिटी ऑफ द आइस क्यूब इज लेस देन वाटर। क्यों? क्योंकि आइस में जो होता है वो उनके बीच में वॉयड्स ज्यादा होते हैं। आइस क्यूब में, मैं आपको आगे भी इसको डिस्कस करवाऊंगी, आइस आइस स्ट्रक्चर में, आइस सॉलिड में क्या होता है, उनके बीच में डेफिनेट अरेंजमेंट होता है लेकिन उनके बीच में बहुत ज्यादा वॉयड भी हो जाता है। तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में जो स्पेस होता है वो हर एक जगह सेम नहीं होता। मैं ये मान सकता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड वो डेफिनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम हर एक डिफरेंट एंगल से उसको कट करें तो वॉयड्स जो आपका प्रेजेंट रहेगा उसमें वो सेम नहीं आएगा, वॉयड्स का प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा। तो आइसोट्रॉपिक सिंपली क्या है, व्हिच द प्रॉपर्टी व्हिच सेम इन और सेम इन ऑल डायरेक्शन, एंड एन आइसोट्रॉपिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड व्हिच इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो वैसे ही हो गया, आइस का डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। एंड आपके पास डायमंड अगर हम ले तो डायमंड में क्या होता है, डेफिनेट आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज हम जिस भी एंगल से उसको कट करें वो सेम ही दिखता है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मान लीजिए कि ये क्यूब है, यहाँ पे हमने आइसोट्रॉपिक एंड अनआइसोट्रॉपिक दिखाना होगा। यहाँ पे देखिए ये सॉलिड अगर है आपके पास, अगर हम इस स्लाइड को कट करेंगे, अगर हम एक साइड यहाँ से कट करेंगे एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, कट होगा इस साइड, ठीक है, अगर हम इस साइड कट करेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर आएगा वो सेम आएगा। लेकिन अगर हम इस साइड में कट करेंगे उसको तो वो उसका डेफिनेट जो अरेंजमेंट होगा वो टूट जा सकता है, उनके बीच में वॉइड स्पेस अलग हो सकता है, उनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो सकता है, लाइट उसके बीच में अलग तरीके से पास कर सकता है। तो ऐसे ही होता है अनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया अमोर्फस सॉलिड क्या होता है। अमोर्फस सॉलिड में डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, उनके बीच में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, वो लोग आइसोट्रॉपिक होते हैं। देखिए आइसोट्रॉपिक एक प्रॉपर्टी है जो हर एक डायरेक्शन में सेम होता है, जैसे कि डायमंड, डायमंड को आप जिससे भी साइड से कट करेंगे उसका सेम अपियरेंस होगा। लेकिन अगर आप एक ऊड को लेकर हर एक डायरेक्शन में कट करने चाहें तो उसका अपियरेंस सेम नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन हैव सारे मेल्टिंग पॉइंट, ये भी मैंने आपको बताया, अमोर्फस सॉलिड हैव नो मेल्टिंग पॉइंट, उनके बीच में जो सॉलिड के बीच में जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है
वो रेगुलर ज्योमेट्री होता है, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो आर नॉट ड्यू टू द अमोर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, उनके बीच में डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होता, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइटिस हाफ है, अगर हम फ्यूजन की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड हाफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में हीट ऑफ कॉन्स्टेंट पर्टिकुलर हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, भी पहले सॉफ्टन होता है उसके बाद जाके मेल्ट होता है, मेल्ट करता है। एक्सटर्नल फॉर्म मतलब देर इज ए रेगुलरिटी इन द एक्सट्रीम आर्म ऑफ फिन क्रिस्टल सॉलिड्स गिव ए रेगुलर कॉट व्हेन कॉट विथ ए शार्प एज्ड नाइफ, ठीक है। रेगुलरिटी इन द क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, रेगुलरिटी होता है उनके बीच में जो एक्सटर्नल फॉर्म होता है उनके बीच में एक रेगुलरिटी होता है, एंड वो, लेकिन अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें, देर इज नो रेगुलरिटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सो अमोर्फस सॉलिड्स गिव इरेगुलर कॉट्स, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, इरेगुलर कॉट देता है अमोर्फस सॉलिड, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड देता है रेगुलर कॉट, मतलब नाइस कॉट देता है। आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक के अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइन सर अनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक आर अमोर्फस सॉलिड्स। ओके, सो एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, CCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, CSF हो सकता है, जेडमेस हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आज हम इतना पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, किस किस टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं जिन्हें ने आज एक नया चैप्टर शुरू किया है, होप कि आप सबको समझ में आया होगा जो मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा गाइस, और सीरियसली थोड़ा पढ़िए, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी स्टे सेफ, हमेशा पढ़ते रहिएगा, क्लासेस को अच्छे से ख़त्म कीजिए, अच्छे से उसको देख के उसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग विथ मी, बाय गाइज।